हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज का टॉपिक है डेटा टाइम चेंज कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास से सैमसंग का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मैं चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, ऐसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है ये वाला ऑप्शन। इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जनरल मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे आप। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है डेट एंड टाइम, आप इस पर क्लिक करेंगे। और ये अभी शो हो रखा है तो हम इस पर क्लिक करें। अगर शो नहीं है यानी कि आप इसका ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे शो नहीं कर रही हो, इसे ऑन करें तभी आपका शो होगा। मतलब कि इधर दिखेगा आपको डेट सेट, डेट एंड सेट डेट टाइम। तो यहाँ पर टाइम सेट करेंगे तो टाइम हो रहा है मेरे में, ये टाइम वैसे गलत है, और मेरे में हो रहा है टाइम 1:00। तो फ्रेंड्स, इधर एक का होता ऑप्शन है ही नहीं, तो है फ्रेंड्स वैसे तो ऐसे याद नहीं है। मेरा एक एंड 1:00 का ऑप्शन हो रहा है, 1:05 हो रहा है मेरे में, हमारे वॉच में 1:05 हो रहा है। तो हम 1:05 सेट करेंगे, तो मेरा टाइम गलत है सिर्फ। एंड डन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेट हो चुका है। और इसी प्रकार से डेट सेट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से डेट सेट करेंगे और मेरे डेट भी सही है। और इस यहाँ से बैक कर देंगे, आपका वो सेट हो चुका है। और इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में टाइम और डेट सेट कर सकते हैं। और अगर आप उसे चाहते हैं कि ऑन है जो उसे ऑफ़ कर दे, उससे ऑफ़ कर सकते हैं चाहे तो, पर मुझे नहीं करना है। और इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सोच रहे किस प्रकार से डेट और टाइम सेट करते हैं, तो आपको दिखा देती है टाइम। फ्रेंड्स, आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम सेट हो चुका है 1:05। तो फ्रेंड्स, आई होप आप से जो किस प्रकार से डेट और टाइम सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।